हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आपको याद होगा यार, मैंने कुछ दिनों पहले अपनी जो सिम थी ना उसको पोर्ट कराने के लिए गया था जियो में। तो आज दिन आ चुका है, आज के दिन मेरी सिम एक्टिवेट होने वाली है। देखो मैं पूरा का पूरा इसका पोस्टमार्टम करके बैठा हुआ हूँ। ये है मेरी जियो की नई सिम और ये मेरी पुरानी सिम है जिसको मैंने पोर्ट करवा रखा है। तो अभी इसको फटाफट इसमें डाल के एक्टिवेट करते हैं, फिर उसके बाद जहाँ से मैं सिम लाया हूँ ना उनको फ़ोन करना है कि इसमें रिचार्ज डाल दो करके। वो कह रहे थे कि इसमें जब सिम एक्टिवेट हो जाएगी मेरे को फ़ोन करना करके, ठीक है। तो फटाफट करते हैं इसको अदला बदली। ओके, अपने ब्लैकबेरी में मैंने डाल दिया है और देखो ये सिम वाल में सिलेक्ट नंबर बोल रहा है। ओके है, नेटवर्क का बोल रहा है, ज़रा देखते हैं। ठीक है, नेटवर्क का इसमें एक कहाँ खुल रहा है, रुक जा। ये रहा नेटवर्क सिलेक्शन, सिम वन, इसको हम करते हैं ऑटो। ऑटोमेटिक में खुद ही ढूंढ लेगा, डन ऑटोमेटिक इमरजेंसी कॉल। अभी इसमें रिचार्ज नहीं है। चलो एक बार अब मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ से मैंने ये सिम ली थी ना, तो उसमें रिचार्ज डाल देंगे फटाफट से। ओके दोस्तों, दिन हो चुकी है, काफ़ी समय हो चुका है और अब समय हो गया ई सिम बनाने का। तो दिनेश भी आया हुआ है मेरे को असिस्ट करने के लिए ई सिम बनाने के लिए। तो अभी मैं पहले इसमें इंसर्ट करता हूँ, फिर उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा आप लोग को। दोस्तों पता है YouTube से देख के मैंने अभी थोड़ा बहुत अपना ई सिम का किया और पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो ही गई है। बस एक चीज़ बचा है, जो आखिरी का मैसेज होता है ना उसमें कुछ कीवर्ड से करके कुछ भेजना है, क्या कहते हैं, चेंज सिम, और उसके बाद कुछ नीचे वो वर्चुअल नंबर आता है 16 डिजिट्स का, वो वाला लिखना है। तो मैं उसको भेज रहा हूँ तो बार बार उसमें आ रहा है कि यू प्रोवाइडेड रॉन्ग कीवर्ड लिखा रहा है। तो अब वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आज दिन में गया था, क्या कहते हैं, वहाँ बाजार गया था जियो के ऑफिस में, और आज शिवरात्रि है तो इस वजह से जो जियो का ऑफिस है ना वो बंद है, और कल संडे है तो उसकी वजह से भी वो बंद होगा। तो इस वजह से इस वीडियो को यहीं पर मेरे को रोकना पड़ेगा। मंडे को हम लोग जाएंगे जियो के ऑफिस में, ठीक है, और जब मंडे को वहीं जाकर फिर हम ई सिम करवाएंगे। तो मंडे को मिलेंगे आप लोगों से और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या काम हमारा, क्या क्या लगता है इसमें, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिसोर्सेज लगते हैं इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो वेट करो मंडे तक का। अगर आपको ई सिम बनानी है ना तो इस वीडियो के माध्यम से ई सिम आराम से बना सकते हो, अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है तो। तो इस वीडियो को मेरे को यहीं पर एंड करना पड़ रहा है, मिलेंगे आप लोगों से 2 दिनों के बाद। दोस्तों आज है मंडे और समय आ चुका है जाने का हमारा ई सिम बनाने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो आप लोग को अब सीधा वहीं लेकर जाता हूँ मैं, ठीक है। ये है दोस्तों जियो का ऑफिस, करेक्ट आपका ये एक्सिस बैंक है उसके बाहर पर को। तो यहाँ ज़रा पता करके आते हैं, आज हमारा रोशन भाई भी हमारे साथ है, ई सिम का पता करके आते, कह रहे थे फ्री में हो जाएगी करके, अब देखते हैं कितना लगता है, फ्री में करवाएंगे वैसे हम। ये आ गया, हो गया है दोस्तों, ये जियो का वो है ऑफिस है। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा खुद से कोशिश करी थी ना, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा, जो मैंने एक्टिवेट कराई थी सिम उसको काटना पड़ा, फिर दूसरी करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ से इनके फ़ोन के ऐप से कुछ होता है, मतलब वहीं से रिक्वेस्ट जाती है तब होता है। तो खैर अब तो हो गई है भाई, और गोविंद भाई भी दिख गया हमको यहाँ पर करेक्ट। अब चलते हैं फिर यहाँ से घर की तरफ को। सिम बना के ला गया हूँ दोस्तों मैं, और थोड़ी देर में 10-15 मिनट में एक्टिवेट हो जाएगी बोला, मतलब बंद तो नहीं हुई थी, इसमें उसके नेटवर्क आने लग जाएंगे ई सिम के स्लॉट में। फिर इस वाली सिम को निकाल के मैं अपनी VI की जो मेन सिम है उसको भी लगाऊंगा, फिर आईफोन में 2 सिमें हो जाएंगी, एक ई सिम और एक मेरी फिजिकल सिम। तो देखते हैं कैसा होता है, ठीक है, और मैं बताता हूँ आप क्या क्या लगा वहाँ पे, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके दोस्तों, तो मैंने अभी सेट कर दी है अपनी सिम, और ये है देखो मेरी पुरानी वाली जो सिम थी जियो की। और इसमें क्या हुआ है ना कि जो याली सिम थी इसको ई सिम में ट्रांसफ़र कर दिया है, मतलब अब मेरे को इस फिजिकल जो याली जो सिम है ना हाथ में मेरी, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको अगर मैं अब तोड़ के फेंक भी दूँ तब भी मेरे हाथ मेरे फ़ोन में सिम रहेगी रहेगी, और इसमें अब नेटवर्क ही नहीं आएंगी क्योंकि इसका सारा डेटा इसमें ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये ऐसे ही आईफोन का ही फंक्शन है। अब इसमें डबल डबल सिम का डबल नेटवर्क आ रहा है, अभी मैंने चेक किया तो 2-2 नेटवर्क आ रहे हैं। तो ये सब था, और वहाँ पर पता है क्या लगा, देखो आपके पास एक जियो की सिम होनी चाहिए, बस हो गया। वहाँ जाना ना, ये एक्सिस बैंक है जो यहाँ पे तिराहा वड्डा तिराहा, अगर कोई पिछौरगढ़ वाला अगर देख रहा हो तो उसको बनानी होगा फ़ोन उसका 5G वाला जो हो, तो वहाँ जाना, उनको बोलना 5G में इसको हमको एक्टिवेट करना है। तो उसी समय थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ ऐप से कुछ मैसेज वैसेज करते हैं वहाँ से, परमिशन मांगते हैं तो हो जाती है फटाफट। और वैसे मैंने वहाँ पता किया ना, इस मार्च से, अभी जो ये मार्च आने वाला है ना, 5G पिथौरागढ़ में आने वाला है, तो जियो मतलब जियो जो है सर्विस प्रोवाइड करेगी 5G की। तो अगर कोई है जो 5G यूज़ करना चाहे तो अपना ज़रूर आप लोग कर सकते हो इसको जियो को 5G में, अब आपके पास अगर जियो की सिम है तो। बाकी सब हो चुका है, फिर अब मेरा ई सिम तो बन गई है दोस्तों। तो चलो अब चलते हैं हम लोग बाहर की तरफ को, आज रोहित भाई आ गया है, रोहित भाई पार्टी कराएगा, चलते हैं उससे, कहीं पार्टी लेनी है अभी मैंने। चलो दोस्तों पता है हम लोग कहाँ हैं, गेस व्हाट,
हम लोग आए हैं उड़कन्ना भाई, जहाँ ठंडे पानी का धारा होता है ना वहाँ। और पता है क्यों यहाँ रखे हैं? क्योंकि हमारे दिनेश भाई को भरना है पानी। ये बाजार से आया है पानी भरने के लिए, देखो इतनी सारा सामान लेकर आ रखा है। बोल रहा था उड़कन्ना का ही पानी पीऊंगा और कहीं का पीऊंगा ही नहीं, ऐसी वाली बात कर दे रहा था मतलब, तब आया हूँ मैं भी इसके साथ। और वैसे यहाँ का पानी होता तो शुद्ध है, ऐसी बात नहीं है। हाँ अभी दिनेश बताएगा आप लोगों की क्या दिक्कत थी कि वो यहाँ आया पानी भरने के लिए। चलिए रंग रूटी आ रखे है ये देखो। और ये बताओ जरा क्या कहते हैं, क्या रीजन था आपका यहाँ आने का? बहुत वाहियात पानी आ रहा है भाई बाजार में। अच्छा आप लोग क्या अभी आ रहे हैं, मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। ये कह रहा था कि पहले सब पीला पानी आया फिर सफ़ेद पानी आया, शायद कुछ दवाई ववाई मिला रहे होंगे। आप लोग बताना मेरे को, अभी चलते हैं घर को। पहुँची मिल गए हैं हम लोग को यहाँ पे, हिमांशु और दिनेश पहुँची भाई। ये रोहित भाई हमारा पार्टी करवाएगा और दिनेश भाई अभी अभी बाल कटवा के निकाला है, इसको घर भेज देते हैं। इसको घर भेज देते हैं। ओए बाल काटे ना तूने, जा ना के आएगा ठीक है, जा 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 आराम से आना। ना 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 पहले ना के आप आगे ले गया, पानी गिरा मुझे, मेरा टाइम लगेगा। अरे आराम से ना के यार, हम रुके रहेंगे, हम रुके रहेंगे, बता दे इसको, रुके रहेंगे बता दे तू। ऊपर को चलते हैं दोस्तों। और पार्टी कब कराएगा रे तू? तेरी तो होगी। ना 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 नहीं हुई है। क्या बात कर रहे हो? रुका हुआ हूँ मैं, देखते हैं किस समय करवाता है। मैं देख रहा हूँ दिनेश आने वाला है और हम लोग यहाँ पे छू जाते हैं एक कोने में। जैसे ही वो आएगा ना यहाँ पे, उसको पता नहीं लगने देंगे हम लोग यहाँ पे आकर के। देखते हैं कैसे ढूंढते हैं। हाँ वेटिंग दिनेश के लिए रुके हैं, देखो भाई सब के सब। अभी यहाँ से आएगा नीचे से कहीं से, देखते हैं कैसा करता है वो, पता नहीं कहाँ गया। हेलो कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, जल्दी क्यों नहीं आ रहा है? कब से रुके हैं हम यहाँ? बता। ठीक है भाई ठीक। देख दिया है वे सारे ने शायद हमको सबको। इसने पत्थर मारना शुरू कर दिया है दोस्तों अब। इसको चैन नहीं आ रहा है, इसने पत्थर मारना शुरू कर दिया है। दो दो छुप रहे हैं हम यहाँ पे। क्या पत्थर? ओए ये बगल में गिरा है, बगल में ही गिरा है मेरे। बहुत बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं अभी ये। अब बहुत इंटेंस हो चुका है मामला, बहुत इंटेंस हो चुका है। हाँ क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे है भाई, क्या हुआ भाई? तेरे को कब से बुलाया था मैंने? फूकर ना नहीं कर रहा, बहुत गुस्सा आ गया इसे। फूकरने में क्या है बता, फूकरने से। विशाल मेगा मार्ट पहुंच गए हम लोग, देखो क्या जगमगा रहा है विशाल मेगा मार्ट। लाइट लाइट लगाई हुई है। ये भाई अपना रोहित चल रहा है यहाँ पर से, दिनेश पीछे है। दिनेश नाराज हो गया है, अब आ ही नहीं रहा है, मजाक कर दिया तो। अंधेरा हो गया है कहीं। अरे भैया लगा रहे हैं अभी खाना, जा चुके हैं दोस्तों देखो ये लोग। और हम भी चलते हैं अब यहाँ से घर की तरफ को। आज भी लाइट नहीं है दोस्तों, देखो पूरा अंधेरा हो रखा है। लाइट आ गई है दोस्तों, ये देखो मेरे एक्वेरियम की लाइट जल रही है अभी यहाँ पे।